हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का एक पेड बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कैपेबल हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का ओल्ड सिलेबस, यानी कि जो अभी क्लास 12th में है, 11th पास करके 12th में आए हैं, उनको हमने 11th में पढ़ाया था, तो वो सिलेबस यूट्यूब पर डाला हुआ है। अभी के लिए आप उस सिलेबस से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, जो इस साल सिलेबस है, ठीक है ना, जो एनुअल मोड पर है, लास्ट ईयर का सिलेबस टर्म वाइज था, टर्म वन टर्म टू करके था, ये वाला सिलेबस पूरा एनुअल मोड पे है। तो लेटेस्ट सिलेबस की वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ उन स्टूडेंट से बात करेंगे जो बच्चे कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं पेड बैच को ज्वाइन करने में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उनके लिए हम ये छोटा सा पेड बैच अनाउंस करने आए हैं, ठीक है। सो गाइज, हमारे 11th अप्लाइड मैथ्स के पेड बैच का जो नेम रहेगा डेट विल बी वीर बैच, ठीक है, वीर 1.0 बैच। तो जब आप मेरे को इंक्वायरी करेंगे तो आप मेरे को बताना कि आपको वीर 1.0 बैच के बारे में बातें करनी है, ठीक है। तो वीर 1.0 बैच हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का नाम रखेंगे। सेकंड, इस बैच में क्या होगा, तो हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी और हम यूज करेंगे गूगल मीट ऐप का। गूगल मीट तो आप जानते हैं ना, है ना, तो गूगल मीट ऐप का हम यूज करेंगे, जिसमें आप लोग भी बोल सकते हैं, मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो गूगल मीट ऐप में डबल कम्युनिकेशन का फीचर है, तो आप लोग उसी टाइम तुरंत अपना डाउट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड, हमारे इस बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, तो भाई ये हमारे 3 डेज क्लासेस रहेंगे, ठीक है, 3 डेज क्लासेस रखेंगे हम इसकी। और कौन कौन से डेज क्लासेस होंगी, तो एक तो आपका मंडे को क्लास होगा, एक वेडनेसडे को क्लास होगा, एक फ्राइडे को क्लास होगा। वीक में 3 डेज क्लास होगा, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ठीक है। एंड टाइमिंग क्या रहेगा इनका, तो आप नोट करेंगे भाई, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारा टाइमिंग रहेगा 7 PM, ठीक है। इवनिंग में 7 बजे से क्लासेस चालू होंगी और 1 घंटे का क्लास रहेगा, 7 से 8 का क्लास रखेंगे। एंड इन क्लासेस में आप लोगों को भाई एवरी चैप्टर इन डिटेल करवाया जाएगा, समझे, एवरी चैप्टर। आप लोगों को मालूम है ना, आपके सिलेबस में टोटल मिलाकर के 8 यूनिट है, एंड अगर आप पर्टिकुलर बुक्स की बात करेंगे तो हर बुक में अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर हैं, तो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, यूनिट टोटल 8 हैं, 8 यूनिट को चैप्टर में डिवाइड करेंगे, तो ईच एंड एवरी चैप्टर हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, एवरी चैप्टर इन डिटेल करवाएंगे और साथ में आपके जो डाउट्स आएंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बस आपको पढ़ा दिया बात खत्म हो गई, आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हम जो आपको पढ़ाएंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी, इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग से आप अपना अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। एक बार मैंने आपको पढ़ाया, फिर अगले दिन आपने रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कर लिए, सफिशिएंट है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के साथ में फिफ्थ नंबर पे आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, उसका PDF बना करके, जैसे ये मैंने पूरा नोट करा तो इसका PDF बना करके आपको सेंड कर देंगे, उससे आप फटाफट आपकी रिविजन की स्पीड और तेज हो जाएगी। सिक्स्थ नंबर पे सर कौन सी बुक को फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर हमारे बुक्स वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मार्केट में 4 से 5 बुक अवेलेबल हैं, तो हम उन बुक्स में से जिस बुक में बेस्ट कंटेंट दिया होगा, सपोज करो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का जो बेस्ट कंटेंट है वो ML अग्रवाल में है, तो हम उसमें से पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर का बेस्ट कंटेंट ML भार्गव में है, तो हम उसमें से पढ़ाएंगे। अगले चैप्टर का बेस्ट कंटेंट RD शर्मा में है, तो हम उसमें से पढ़ाएंगे। किसी चैप्टर का बेस्ट कंटेंट आपके CBSE हैंडबुक में है, तो हम उसमें से पढ़ाएंगे। तो बेस्ट क्वालिटी आपको करवाएंगे, ठीक है। बुक्स के मैंने यहाँ पे 4 नाम ले लिए हैं, इन 4 में से जौन सा चैप्टर बेस्ट कंटेंट के साथ जिस बुक में दिया जाएगा उस बुक में से आपको हम पढ़ाएंगे। एंड चिंता नहीं करनी है आपको, ये चारों के चारों बुक्स अपने पास रखनी जरूरी नहीं है, मेरे पास बुक्स हैं, उसी में से मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपके स्कूल टीचर आपको जो बुक लेने के लिए बोले वो वाली बुक शांति से चुपचाप से आपको ले लेना है, ठीक है गाइस। नाउ गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर आ रहा होगा कि सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, तो उसके लिए आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं,
ठीक है ना। स्टूडेंट का नाम है नीमा भारती, क्लास इलेवेंथ का रिजल्ट है, नाउ शी इज योर सीनियर, क्लास ट्वेल्थ में है और ये लड़की हमसे अभी भी ट्वेल्थ बैच में पढ़ रही है। आप इलेवेंथ में नंबर देखो, ठीक है ना, जो हाईलाइट हो रखे हैं लास्ट में जो नंबर है वो आप चेक कर लो। मैथ्स में 47 मार्क्स हैं और ये 50 में से हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट ईयर में टर्म वन टर्म टू करके पेपर होते थे, तो ये जो रिजल्ट इनको मिला है 50 में से मिला है, तो 50 में से 47 मैथ्स में आया है। इनफैक्ट इस बच्ची के तो हर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आए हुए हैं। तो क्लास इलेवेंथ का रिजल्ट ये रहा। इसके बाद में जो अब ये वाला रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये भी आपके सीनियर्स का ही है, ठीक है ना, यानी कि आपसे 2 साल सीनियर अब वो इस टाइम पे कॉलेज में है, ठीक है ना, कॉलेज की एग्जाम देंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये क्लास ट्वेल्थ के टर्म वन का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं ये 40 में से नंबर है, ठीक है, ये जो भी आप रिजल्ट देख पा रहे हैं ये 40 में से है, 40 में से नंबर ये उस टाइम पे दिए गए थे, ठीक है ना। सीबीएसई ने टर्म वन टर्म टू लिया था, तो टर्म वन के नंबर 40 में से दिए गए थे, तो सब 40 में से नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बना होगा, इसी तरीके का रिजल्ट आप लोगों का भी आएगा। एंड आपसे जो जूनियर हैं, जो अगले साल हमें ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को मैं आप लोगों का रिजल्ट दिखाऊंगा जैसे मैंने आपके सीनियर का रिजल्ट आपको दिखाया। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कैपेबल हैं, तो बिना किसी दिक्कत तकलीफ के आप हमारे पेड बैच में आ सकते हैं, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। नाउ लास्ट में बात करते हैं सर फीस क्या रहेगी। भाई सर फीस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो सीबीएसई का कहना है वो एनुअल मोड के एग्जाम है, ठीक है ना। सीबीएसई कहती है कि आप एनुअल मोड पे एग्जाम दोगे, यानी कि आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम होंगे वो अगले साल के मार्च या अप्रैल या फरवरी में होंगे। इन 3 मंथ में से किसी एक मंथ में आपका फाइनल एग्जाम होगा, बाकी आपके स्कूल के ऊपर है कि आपका स्कूल कैसे करता है। तो पूरी एनुअल फीस जो है, पूरे कोर्स का जो एनुअल फीस है वो 5,000 रुपीज रहेगा, ठीक है। पूरे कोर्स का जो फीस है गाइस वो 5,000 रुपीज रहेगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन कांटेक्ट मी, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, नंबर है 8851011225, ठीक है। एंड जब आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बस इतना लिखना है, सर हमें आप वीर बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है ना, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कॉल कर सकते हो। यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू व्हाट्सएप। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में।